सो हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2019 आरसीबी की टीम के लिए अभी तक तो अच्छा नहीं रहा है। शुरुआती 6 मैचेस में से 6 हार का सामना करना पड़ा है, विच इज़ नॉट गुड। और यार आगे अब यार अगर आप बेंगलोर के फैन हो तो बहुत अच्छी एक खबर आपके लिए निकल कर आई है। दरअसल यार इस डेल स्टेन को तो हम सभी जानते हैं। डेल स्टेन साउथ अफ्रीकन के फास्ट बॉलर है और वो अपनी तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी खासी तेज़ गेंदबाजी करते हैं। और दरअसल यार इस डेल स्टेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में 10 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक स्टोरी डाली थी, आप यहाँ फोटो देख सकते होंगे। और स्टोरी में क्लियरली ये विजिबल है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये फोटो यार उनके वीज़ा की है, इंडिया वीज़ा की है, जो यार बता रही है कि यार डेल स्टेन इंडिया आ रहे हैं और वो आईपीएल खेलने वाले हैं। पर यार गाइज अब वो आईपीएल किस टीम से खेलने वाले हैं तो इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि यार गाइज डेल स्टेन ने जो फोटो डाली है उसमें जो आईपीएल टीम का नाम लिखा गया है उसमें उन्होंने थोड़ी सी डूडलिंग करी, यानी कि यार उसका नाम छुपा दिया गया है डेल स्टेन की तरफ से। पर डेल स्टेन ने जो आखिरी वर्ड होता है टीम का ई, वो दिख रहा है, आखिरी वर्ड है उस टीम का वो ई है और वो उस फोटो में क्लियरली विजिबल है। और ई नाम से जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम ही खत्म होता है। ई नाम से सिर्फ एक ही टीम है आईपीएल में जो खत्म होती है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इस बात की पुष्टि ऑफिशियली भी हो चुकी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में डेल स्टेन जुड़ने वाले हैं। डेल स्टेन को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेथन कुल्टर नाइल बुलाया गया है। नेथन कुल्टर नाइल 13 अप्रैल से आरसीबी के लिए अवेलेबल होने वाले थे, पर थोड़ी सी उनको इंजरी और हो गई है, इसके कारण अब आरसीबी की टीम ने डेल स्टेन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा मूव है आरसीबी की तरफ से, कह सकते हैं यार थोड़ा सा लेट हो गई है आरसीबी, क्योंकि अब 8 में से 8 मुकाबले आपको जीतने हैं आईपीएल क्वालिफाई करने के लिए, आईपीएल का जो प्ले ऑफ है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। यहां से बहुत मुश्किल होगा, भले ही आपकी टीम में आप डेल स्टेन जुड़ गए हैं, फिर भी यार एक आधी मैच तो सब फंस ही जाएगा जहां आप हार जाओ। और अगर यहां से आप आरसीबी क्वालिफाई कर जाती है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी, एक मिरेकल टाइप निकल कर आ जाएगा। तो यार गाइस अब आपको क्या लगता है कि डेल स्टेन के आने से आरसीबी की टीम क्या क्वालिफाई करने वाली है कि नहीं, मेरे को नीचे कॉमेंट में बिल्कुल बताना। और टिम साउदी की जगह डेल स्टेन खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि यार वही एक ऑप्शन है जो बाहर बैठ सकते हैं। टिम साउदी को ही बाहर बैठा सकते हो आप, विलियर्स को आप बाहर बैठा नहीं सकते, मार्कस स्टोइनिस को बैठा नहीं सकते, मोइन अली को बैठा नहीं सकते, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, इनको आप बाहर बैठाओगे नहीं, तो टिम साउदी एक अकेले ऐसे ऑप्शन बच जाते हैं जो बाहर बैठने वाले हैं। और डेल स्टेन इनकी जगह बिल्कुल से प्लेइंग 11 में कल के मैच में, यानी कि जो 13 तारीख को मैच है मोहाली में किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध, उसमें डेल स्टेन उतरते हुए दिखाई देंगे। 99% तो डेल स्टेन खेलेंगे, ऑफिशियल न्यूज़ है ये, कोई फेक न्यूज़ अब नहीं है, ये बिल्कुल से ऑफिशियली आरसीबी की टीम ने बता दिया है। तो यार बस मिलता हूं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।